बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव पास इंडेफिनिट अफर्मेटिव बनाने का तरीका सीखा। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और पास इंडेफिनिट को नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव किस तरह कन्वर्ट करते हैं इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि सिर्फ पास इंडेफिनिट वो वाहिद फैक्टर है जिसमें हमारे पास डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। स्टूडेंट्स, एक बात और, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस डिड इस्तेमाल होता है ऐसा हेल्पिंग वर्ब, और जब डिड का इस्तेमाल होगा तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। ये नेगेटिव है, नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव चुन रहा है। डिड का इस्तेमाल नेगेटिव में होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड का इस्तेमाल है नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, ठीक है ना। डिड के साथ नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लेड सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसमें डिड नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ जुमले मैंने मिक्स दिए हैं, इसमें अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारी आज की जो नई क्लास है एक्टिव पैसिव नेगेटिव सेंटेंस पास सिंपल वो भी है। पास इंडेफिनिट जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी अफर्मेटिव वो भी है। प्रीवियस वीक हमने एक्टिव पैसिव प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट समझे थे, तो इसमें कुछ वो भी रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे। आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है आई डिड नॉट थ्रो आई स्टोन, मैं एक पत्थर नहीं फेंकता हूं। आई जो है स्टूडेंट्स आपको पता है सब्जेक्ट है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, थ्रो वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास आई स्टोन। बनाने का तरीका स्टूडेंट्स आपको पता है, एक्टिव टू पैसिव में जब हम आते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारे पास आ स्कूल है, आ स्कूल। पास इंडेफिनिट स्टेप्स इसमें चेंज होता है वॉस और वर में। स्टूडेंट्स क्योंकि सिंगुलर है, स्टोन सिंगुलर है, इसलिए हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉस का इस्तेमाल किया है। आ स्टोन वॉस वर की थर्ड फॉर्म, थ्रो की थर्ड फॉर्म, थ्रो बाय बाय के एग्जांपल से स्टूडेंट्स आपको पता है वर्ब के बाद, और आई जो सब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाता है मी में। ये जो सब्जेक्ट का रिप्लेस होना है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। थोड़े से पीछे वीडियो आप चेक करेंगे इंशाल्लाह तो आपको वहां पे इसका लेक्चर मिल जाएगा। ही डिड नॉट लर्न आंसर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स को हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, आंसर आंसर सिंगुलर है इसलिए बॉस। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेगेटिव चल रहा था तो यहाँ पे डॉट रह गया, तो जी स्टूडेंट्स आंसर बॉस हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आया है। अब नॉट क्योंकि नेगेटिव चल रहा है स्टूडेंट्स तो नॉट ऐसे ही आ जाएगा। आंसर वॉज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, लर्न होती है बाय और ही रिप्लेस हो जाएगा हिम। शी डिड नॉट वॉश डिशेस, डिशेस स्टूडेंट्स प्लूरल है, डिशेस बर्तन को कहते हैं, यूटेंसिल्स भी बर्तन को कहते हैं। मैंने यहाँ पे डिशेस वर्ड यूज किया है, डिशेस वर नॉट क्योंकि डिशेस प्लूरल है स्टूडेंट इसलिए वर नॉट वॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और शी रिप्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स हर, ठीक है। वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच, स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास से रिलेटेड जुड़ा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं है लेकिन पास सिंपल का है। देखिए ना सेकंड फॉर्म लगी हुई है और आपको मालूम है कि सिर्फ पास इंडेफिनिट नहीं ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव में, पास सिंपल में अफर्मेटिव में जो डिड नहीं आता। वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच, अ फ्रेंडली मैच स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने यहां से बनाना शुरू करते हैं अ फ्रेंडली मैच।
फ्रेंडली मैच, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। फ्रेंडली मैच वॉज पर की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट आपको पता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए सेम होती है, प्लेड बाय अस। ठीक है स्टूडेंट्स, वी जो है वो रिप्लेस हो जाता है अस। सार डिड नॉट वॉक स्लोली, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो स्लोली हमारा ऑब्जेक्ट है, स्लोली वॉज नॉट वॉक वर्क इज इनफॉर्म स्टूडेंट वॉक बाय। और मैंने आपसे पहले भी बताया है कि नाम जो है वो रिप्लेस नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट, यू डिड नॉट रिपेयर वॉच, नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, डिड लगा हुआ है ना और नॉट भी आ गया, तो वॉच वॉज नॉट, क्योंकि पास सिंपल को चेंज करते हैं वक्त पैसिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज पर है, वॉच सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज कर रहे हैं, वॉच वॉज नॉट रिपेयर्ड। वर्क इज थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, ईडी लग जाएगा रिपेयर्ड बाय यू। स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ वर्क जो है वो मोस्टली ऐसा होता है कि ईडी लगा देने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन चंद वर्ब ऐसी भी है कि वो सेम है और चंद वर्ब्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, इंशाल्लाह आप अपनी क्लास में करते रहेंगे तो आपको वो सब आसानी से याद हो जाएंगे। आई पॉलिश माई स्कूल शूज, स्टूडेंट्स ईडी नहीं लगा है इसका मतलब है पास्ट नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल नहीं है, हैव नहीं है, वर नहीं है, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है I polish my school shoes. Object जो है student school shoes है और ये हमारी previous class से related जुमला मैंने दे दिया है, जो engine students ने नया channel join किया है वो इसकी detail जो है वो previous videos में देख सकते हैं। School shoes, shoes, shoe नहीं है shoes। अच्छा जूते आपको पता है कि वो दो होते हैं जो है, तो आ जाएगा school shoes are polished। वर्क की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स पॉलिश। स्टूडेंट्स पॉलिश वर्क की थर्ड फॉर्म बाय का इजाफा और आई किसके रिप्लेस होता है आपको मालूम है, आई रिप्लेस होता है मी में। स्कूल शूज आर पॉलिश बाय मी। नेक्स्ट जुमला है स्टूडेंट्स वर्क में एस लगा हुआ नजर आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्क में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल हुआ, आपको मालूम है प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब एसएम आता है। स्पाइसी फूड, चटपटा खाना, मिर्चों वाला खाना, तो स्पाइसी फूड जो है वो हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्पाइसी फूड है, स्पाइसी फूड फूड्स नहीं है, सिंगुलर फूड है ना, इस स्पाइसी फूड इस वर्क की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स को बाय। और आपको मालूम है कि शी रिप्लेस होता है हर में। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ आ रहा है उसे। क्लास के हवाले से ये कहूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता हो कि आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, इंशाल्लाह मैं मजीद अच्छी वीडियोज बना सकूंगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।